ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर का जिनका बच्चा पेपर है, जिन बच्चों का, वो सुबह सुबह मत चले जाएं, उनका जो है इवनिंग में है, कंप्यूटर वाला इवनिंग में है, ये याद रखें। पता है ना सभी को कंप्यूटर वाला पेपर इवनिंग में है, 28 मार्च को इवनिंग में, शाम को, यानी कि 2 बजे से। तो वो 1 बजे पहुंच जाए, एंट्री 1 बजे होगी, ठीक है। तो वो जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, ये देख लें, इसमें से फंस सकता है, ठीक है। देखिए अगर हम ये क्वेश्चन आपको दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स, तो क्या इसमें से कोई आंसर है फुल डुप्लेक्स का? फुल डुप्लेक्स मतलब क्या होता है? दोनों साइड ट्रांसमिशन ना, डबल साइडेड ट्रांसमिशन है ना, दोनों तरफ से बात हो सके, हमने उधर से बोला। तो इसमें से कोई आंसर नहीं, इसका आंसर होगा वॉकी टॉकी, है ना, यानी कि दोनों तरफ से इसमें बात हो सकती है, इधर से बोला उधर से बोला, यानी मोबाइल भी फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है ना। नहीं बेटा, तुम जो है कह रहे हो थे ना वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी नहीं होगा, तुमने ये गलत किया है, क्योंकि मोबाइल में क्या होता है फुल डुप्लेक्स का, यहाँ फुल लफ्ज़ लिखा है, ये याद रखना, मोबाइल में क्या होता है दोनों साइड एक टाइम पे बात होती है। तो इसी तरह मोबाइल की तरह टेलीफोन भी होता है, यानी कि एक टाइम पे दोनों तरफ बात होगी, ठीक है। तो ये फुल डुप्लेक्स, अगर यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स लिखा होता तो जो है शायद क्या हो जाता, तो हाफ डुप्लेक्स में ये वॉकी टॉकी हो जाता, लेकिन यहाँ पे फुल डुप्लेक्स लिखा है। तीन तरह के होते हैं ना, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स ना, तो हाफ डुप्लेक्स का आंसर ये हो जाएगा वॉकी टॉकी, और अगर फुल डुप्लेक्स है, फुल लिखा है, तो टेलीफोन या मोबाइल, और अगर सिंप्लेक्स लिखा है तो रेडियो टेलीविजन में से कोई एक, है ना, क्लियर हो गया डाउट। अब इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू, इनकी डेसिमल वैल्यू क्या है? तो आपको पता है कि ये जो यहाँ पे बेस 2 है, तो ये बाइनरी में दिया है, बाइनरी का मतलब होता है 1 और 0, उसके अलावा कुछ नहीं, बाइनरी यानी कि इसको बिट्स कहते हैं, बिट्स का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स, और बाइनरी डिजिट 0 और 1 होती है, 0 मींस ऑफ 1 मींस ऑन। तो ये यहाँ पे बेस 2 लिखा, तो समझ लीजिए बाइनरी में दिया, डेसिमल मींस 0 से 9 होता है, यानी 10, तो आंसर में 10 लगाना चाहिए बेस में, ठीक, तो वो दिया है यहाँ। अब देखिए इसको करते कैसे हैं, पहली बात जो जीरो वाला, जो सबसे पहले हम ये नंबर उतार लेंगे ना, तो जो जीरो है इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे इन दोनों के बीच में, फिर इधर वाला नंबर यानी इधर से शुरुआत करते हैं, 2 की पावर 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। लेकिन ये जो जीरो वाले हैं इनको हटा दिए गए, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ये ऊपर 0 है तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2, 2 to the 4 to the 8 to the 16, ठीक। फिर 2 की पावर 3 × 0, 0 से ये 0 ही हो जाएगा, ठीक। 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2, 2 to the 4, तो ये 4 हो गया, फिर प्लस करेंगे इन लोग, है ना। और 2 की पावर 1 का मतलब 2, ठीक। यहाँ पे 2 की पावर 0 लिखा है, 2 की पावर 0 को मतलब होता तो 1 है, 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ 1 होता तो इसका पूरे का अंतर आता 1, 2 की पावर 0 का मतलब 1 × 1 आ जाता ना, तो लेकिन 0 है, 0 को हटा देते हैं, 16 × 4 = 20, तो 22 आया, बेस 10 लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस, ठीक है। देखिए याद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन OS, OS मींस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव कहते हैं, इंकजेट एक तरह का प्रिंटर है, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये सब पता होना चाहिए। इसमें भी देखो बेटा तुमने गलत किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ लॉजिकल एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये होता है x × y + x × z, ठीक है, याला होना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं होगा, याला होगा, क्लियर होगी बात, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे। विच की इज यूज टू मूव फ्रॉम इंसर्ट मोड इनटू कमांड मोड, लाइनक्स, लाइनक्स अगर आपने पढ़ा तो ये तो पता ही होना चाहिए, सारे कमांड इसके याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नल लाइनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विच की इज यूज टू मूव फ्रॉम इंसर्ट मोड से कमांड मोड, कहाँ जाना है, इंसर्ट से कमांड जाना है, तो इंसर्ट से जब भी कमांड में जाना होगा तो इसका आंसर होगा ESC, escape, है ना, इंसर्ट से कमांड में जाना होगा तो ESC, लेकिन ये इसका रिवर्स दिया होता, वाइस वर्सा दिया होता, यानी कि कमांड मोड से इंसर्ट मोड में जाना होता, कमांड मोड पहले लिखा होता, इंसर्ट मोड बाद में लिखा होता, तो इसका आंसर हो जाता आई, ठीक है, क्लियर होगी बात, ये याद रखिएगा। और देखिए डिस्क्राइब द टर्म इन ब्रीफ शॉर्ट में, अगर इनको डिस्क्राइब करना है, कर्नल क्या होता है, कोर प्रोग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वर्ड लैंग लेंथ ऑफ द वर्ड, प्रिंटर क्या होता है, या आउटपुट देने के लिए होता है, कई तरह के प्रिंटर होते हैं, है ना, लेदर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इस सब थोड़ा सा लिख देगा। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया सही, बहुत शॉर्ट में इजी है, एक आधे आधे पेज का आंसर कम से कम लिखिएगा, है ना। सिंप्लेक्स क्या होता है, वन साइडेड ट्रांसमिशन, मतलब अगर हम इधर से बोल रहे हैं जैसे, है ना, मतलब बोल क्या रहे हैं, जरा टीवी टेलीविज़न अगर आपको अंदर घर पे देख रहे हैं, तो आपको कोई गलत खबर सुनाई दी तो आपकी मीडिया पर्सन को पकड़ के मारने तो लगेंगे नहीं, टीवी में घुस के, या उसको फ़ोन तो कर नहीं पाएंगे कि उससे बात कर लें, मीडिया पर्सन बोल रहा है लेकिन आप उससे नहीं बोल सकते, है ना। या टीवी जो है, जो भी टीवी पे आ रहा है वो वन साइडेड है ना, आप उससे उसमें कुछ अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। हाँ, अगर हाफ डुप्लेक्स के दिया तो हाफ डुप्लेक्स मतलब वॉकी टॉकी, जैसे उधर से हमने बोला हेलो हेलो माइक टेस्टिंग या कुछ भी बोला, तो उधर से आप, तो जब मेरी बात खत्म हो जाएगी तब आप बोल सकते हैं, तो वो हाफ डुप्लेक्स हो जाए। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि आप टेलीफोन मोबाइल इसमें कैसे बात होती है, जैसे हमने बोला आप मेरी बात काट करके बीच में तुरंत बोल सकते हैं, है ना,
टू साइडेड ट्रांसमिशन एट अ टाइम, तो फुल डुप्लेक्स, वन साइडेड ट्रांसमिशन एट अ टाइम तो हाफ डुप्लेक्स, और नो मतलब कोई ट्रांसमिशन नहीं, बस ट्रांसमिशन सही सिग्नल आ रहे हैं, आप बात नहीं कर सकते रेडियो टेलीविजन में, तो वो सिंप्लेक्स, ठीक है। इसके बाद देखिए व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ लिनक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पढ़ लिया गया इसकी, है ना। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बीसीडी एंड एसकी, आस्की फ्लो होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बीसीडी का, आप हमें कमेंट करके बताइए। कंस्ट्रक्ट एंड गेट बाय यूजिंग नैंड गेट, पहली बात एंड और नॉट, है ना, एक्सोर एक्सनॉर, ये सारे गेट के बारे में सही से पढ़ लिएगा, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, है ना, और कौन कौन से गेट। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है, नॉट गेट का यूज़ कहाँ होता है, इन्वर्टर जो हमारे घर में होता है उसमें नॉट गेट का यूज़ होता है, NOT नॉट, ठीक है। एंड गेट जो है मल्टीप्लिकेटिव वाला होता है, और गेट शार्क शेप होता है, और वो प्लस वाला होता है, एंड गेट में डी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड पढ़िएगा। स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ करेक्टर, मतलब लाइन से लगे हुए करेक्टर का ग्रुप, है ना, इसको आप कर लिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद शॉर्ट नोट लिखने को आएंगे, जैसे टेलनेट है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसके बारे में सही से पढ़ लिया, बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी, ये सब इसके बारे में सही से पढ़ लिया। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, कोएक्सियल केबल होता है, और कौन सा केबल होता है, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और ट्विस्टेड पेयर, ये तीन तरह केबल होते हैं। फाइबर ऑप्टिक बेस्ट होता है मेरे हिसाब से, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ लाइटनिंग, वो लाइट के फॉर्म में काम चलता है, लेकिन कोएक्सियल भी काम का होता है। ट्विस्टेड में दो तार मिले हुए यूं करके, ना, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लिकेटर, जब आप वेबसाइट सर्च करते हैं HTTP वगैरह सब लिखा होता है वो, और उसके आगे पूरा डोमेन नेम सर्वर नेम सब URL होता है इसका, आप जब लिखिएगा URL के बारे में तो एक एग्जांपल लिखिएगा जरूर, google.com करके, है ना, www.http सब, ठीक है। वट फिर इसके बाद जो आएगा, वट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, विच प्रोटोकॉल यूज इन इंटरनेट, बहुत सारे इसमें प्रोटोकॉल यूज होते हैं, HTTP, TCP, IP, HTTP का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, सारी बातें। वो लूपिंग क्या होता है भाई, यहाँ से यहाँ गए फिर यूँ गए, है ना, प्रोग्रामिंग ऐसे करना कि बार बार लूप बन जाए, है ना। व्हाट इज़ लैन लोकल एरिया नेटवर्क, इसके बारे में थोड़े कमांड याद कर लिएगा, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन CUI और GUI, ये CUI है, मिसप्रिंट हो गया, CUI मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस, GUI मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस, है ना, इसके बारे में सही 100% आ सकता है। सॉरी लिनक्स में जो होता है CLI होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, है ना, और ऐसे जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना, विंडोज वगैरह में CUI और GUI में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, तो कमांड लाइन इंटरफेस होगा, ठीक है। ये व्हाट इज़ VI टेक्स्ट एडिटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज़ रिकर्सिव फंक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा। और सॉर्टिंग तो 100% आएगा, सॉर्टिंग मीन्स अरेंज द लिस्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे करें, इसके में चॉइस में आ सकता है सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग एंड चेक वेरी पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है, जैसे मॉम हो गया, डैड हो गया, है ना, 1-2-1, है ना, जो सीधे से उल्टे से दोनों तरफ सेम पढ़े जाए ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिवर्सल गेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल गेट, ट्रुथ टेबल जरूर बनाना आनी चाहिए, ये बहुत आसान होती है, अगर ना आती है तो बताइएगा, वैसे बहुत ही आसान होती है ट्रुथ टेबल, ठीक है। विच प्रोग्राम सी दैट एक्सेप्ट 20 इंटीजर नंबर कीवर्ड, ये भी इस तरह का कोई प्रोग्राम आ सकता है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छे से करिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। आखिरी में सारे क्वेश्चंस नोट भी कर लें और एग्ज़ाम में भी कर लें।